मैंने कहा सीट बेल्ट लाओ पेंडू, वो तुम्हें पता लगे, वो उसने पहले से लगाया, वो मेरे को बोलता मैंने लगा लिया, तू पेंडू अपनी लगा, तो मैं भी लगा रहा था। तो टिकट देख लें जी, ये बोर्डिंग पास के साथ अभी जारी हो चुकी। अच्छा, यानी कि वेटिंग रूम में हम बैठे हुए और मैंने बोला आपको सरीन एयरलाइन की टिकट दिखा दूँ, तो 26/26 ही है जी मेरी, और आगे देखते हैं जहाज़ में जाकर क्या सूरत हाल है, इंशाल्लाह मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो कॉफ़ी मैं पूछता हूँ यहाँ से, आपको दिखाता हूँ एयरपोर्ट से कॉफ़ी का क्या रेट है, ये भी आपको दिखा दूँ। तो बंद है जी, वरना मैं देखने क्लोज, सॉरी वी आर क्लोज, तो बंद है, वरना पूछ कर बचाता। चलो देखते हैं आगे। भाई जान, अभी बस में बैठने का टाइम आ गया, तो यानी कि जहाज़ के लिए जाने लगे, तो लंबी लाइन लगी हुई है वहाँ पर, वो जो आपकी टिकट वगैरह चेक हो रही है बस, और क्या। तो मॉर्निंग हो चुकी है जी देख लें, और फ्लाइट है 7:30 बजे, और अभी भी टाइम तकरीबन 7 बजे के टाइम क्यों हो गया, 7 बज चुके हैं तकरीबन जी। तो बस में बैठ चुके हैं, मैं एक बस भर के चली गई है पहले, ये दूसरी आई है, तो इसमें बैठे हैं अभी, तो खाली है, अब हम आ रही है पीछे, आपको दिखाता हूँ। इधर ये बातें भी हो रही हैं कि नए जहाज़ हैं, नई एयरलाइन है, तो दूसरा बोल रहा है अल्लाह के सुपुर्द बैठ जाते हैं फिर। जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, जब मैंने ये टिकट परचेज़ की थी हमने, यानी कि उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ये न्यू जहाज़ हैं, एक तजर्बा ही होगा जी। तो पहले बैठे हुए थे, अभी खड़े हो गए हैं, लेडीज हैं जी पाकिस्तानी है, तो वो बैठेगी, हम खड़े हो जाएंगे। सऊदी एयरलाइन खड़ी हुई है जी देख लें आप, और इसके अलावा एक फ्लाई अदील खड़ी हुई है, और उसके बाद ये सरीन एयरलाइन, ये तो मैं आपको करीब से दिखा दूंगा। बाकी फ्लाई अदील एंड सऊदी एयरलाइन यहाँ पर तो यही है, पीएए वगैरह या एयर ब्लू वगैरह मैं नहीं देख रहा हूँ। जहाज़ एक टेक ऑफ कर रहा है, तो ये सऊदी एयरलाइन है, ये इस तरफ सऊदी एयरलाइन, अभी मॉर्निंग हो चुकी है, इधर से सूरज की रोशनी आ रही है, मैं इस तरफ से आपको दिखाता हूँ। जो फ्लाई अदील मैंने आपको दूर से दिखाई है, ये सऊदीया की है, इधर सऊदीया के अंदर ही चलती है, टिकट इनकी सस्ती होती है, दुबई वगैरह भी चले जाती है ये फ्लाई अदील। ये रखी जी सरीन एयरलाइन, और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम बिल्कुल रेडी है, यानी कि देख ली 7:07 पर हम जहाज़ के करीब, यानी कि जहाज़ में बैठ जाएंगे यार, 7:30 बजे इनका टाइम है, तो 7:30-7:45 बजे ये फिर उड़ेगी, तो मज़ीद आपको इंशाल्लाह, छोटा जहाज़ है, आगे जाकर दिखाता हूँ। ये तो सरीन एयरलाइन आप देख रहे हैं, और मैं अभी लेडीज उतर रही हैं, हम इस गेट से उतरेंगे, एंड व्यू देख रही हैं आप, औसम किस्म का। अभी जहाज़ में बैठे के मैं आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह, मैं आपको ये थोड़ा सा दिखा दूँ, अभी कुछ पिक्चर बना लूँ थंबनेल के लिए जी। तो वो बिज़नेस क्लास वाली सीट है जी, हम तो इकोनॉमी वाले हैं, तो इकोनॉमी में जा रहे हैं, ये देख लें जी आप, और आगे आपको इंशाल्लाह। तो इकोनॉमी बेस्ट है, इनकी जो बिज़नेस क्लास की टिकट थी वो मैंने आपको दिखाई थी, बताई थी उस टाइम 1,000 रियाल की थी। बोल रहे हैं जी सीट बेल्ट बांध लें, और 41,000 की फीट के ऊपर हम परवाज करेंगे, मौसम साफ है, 4:45 में लाहौर पहुँचेंगे जी। तो बैक गियर लग चुका है जी इसका जी, चल पड़ा है जी देख लें, साइड से मैं आपको बाहर से व्यू दिखा रहा हूँ, अब ये टेक ऑफ करेगा और फिर आपको वो दिखाऊंगा। सऊदी एयरलाइन खड़ी हुई है जी माशाल्लाह, और फ्लाई अदील एंड सरीन थी, इसके अलावा मैंने कोई नहीं देखी है, तो बहरहाल अभी देख लें माशाल्लाह। एक वो जा रहा है जी, वो फ्लाई नास है, वो लोकल फ्लाइटें चलती हैं ना फ्लाई अदील एंड फ्लाई नास वगैरह की, तो इसलिए वो थोड़ा, ये सऊदी एयरलाइन खड़ी हुई है जी, एक ये पुराना जहाज़ है इनका मुझे लगता है। सीधा हो गई रनवे के ऊपर, अभी ये लगाएगा दौड़, DHL वालों का दफ्तर देख लें कितना बड़ा है, यहाँ पर अपना खुद का एक उनका जहाज़ खड़ा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर अल्लाह अकबर भाग पड़ा है जी बहुत स्पीड है यार इसकी तो एकदम से, तो आप देख लेते हैं ये अभी
अभी ये ऊपर शुरू नहीं हुआ है ऊपर जाना, यानी कि ऊंचाई इसने शुरू नहीं की है उड़ना, तो मैं जब ऊपर जाना शुरू होगा वो भी अभी कार्गो का देख रही जहाज, सऊदी कार्गो का जहाज़ खड़ा हुआ है, ये पुराने जहाज़ हैं अभी भी चलते हैं, ये अभी टेक ऑफ हुआ है जी, देख लें आप, अभी ये ज़मीन नीचे होती जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपको जद्दा दिखाई दे रहा है सामने, जद्दा समुंदर और बिल्डिंग्स देख लें आप, मैं आपको व्यू दिखाता जाऊंगा, और जब ये ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी और हमें नीचे दिखाई देना बंद हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला गप्पे शप्पे लगाएंगे, और अभी तो देख लें काफ़ी माशाल्लाह ऊंचाई में चला गया। बिल्डिंग्स हैं, ये हाजी एयरपोर्ट और सॉरी इस मतार अल खारजिया की तरफ आते हुए जो रास्ते में ये आती हैं, ये छतरी नुमा दोनों रोड के दरमियान वो हैं जी। तो जद्दा जी देख लें माशाल्लाह, जितना मैं विंडो से आपको दिखा सकता हूँ दिखा रहा हूँ, जद्दा समुंदर सब, और इधर बिल्डिंग है पास सामने, समुंदर है भाई सारा। समुंदर के ऊपर देख लीजिए समुंदर गुजर रहा है यहाँ से, और उस तरफ भी इस तरफ भी आबादी है, दरमियान से समुंदर गुजर रहा है। ऑसम व्यू है यार, ये व्यू भी पहले नहीं देखा होगा तकरीबन, मैंने तो नहीं देखा है वैसे जी। तो सरीन एयरलाइन में खाना आ चुका है जी, देख लें ये जो टिशू आपको साथ में, हाँ जी इसके अंदर आपको चम्मच वगैरह मिल जाएगा साथ में टिशू। तो खाने में अभी पेप्सी वगैरह आप जो ले लें वो आपका मर्ज़ी है, आप कोई भी ले सकते हैं। अच्छा ये कप आपको मिल जाएगा, ये क्या चीज़ है भाई, अभी देखते हैं जी। तो मैं खुद सो गया अभी खाने के बाद, तो आवाम भी सोई हुई है जी, और जहाज़ देख लेंगे आप, यानी कि कोई एक इधर है एक इधर है, बहुत सारी आवाम पीछे चली गई है जाकर लेट गए हैं, तो ऐसा ही है कोई किधर सो गया कोई किधर सो गया, यही सूरत हाल है। मैं आपको जहाज दिखा दूँ जी पीछे से, देख लें आप खाली पड़ा हुआ है, आवाम कुछ सोई हुई है बस, बाकी नहीं तो खाली पड़ा हुआ देख लें आप, और कुछ आवाम है वो जो आगे बैठी हुई है। मैंने बोला आपके साथ ये जहाज़ भी आपको दिखा दूँ, यानी कि आप कहीं भी बैठ जाएं वो कोई मसला नहीं है, आप इधर आकर बैठना चाहते हैं तो इधर बैठ जाएं, लेग स्पेस आपको काफ़ी मिल जाएगी, आप सीट चेंज कर सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी चीज़ की, कोई बंदिश नहीं है। तो बहरहाल एंजॉय, आधे से ज़्यादा जहाज़ खा लिया जी सरीन एयरलाइन। तो अभी मैं आपको जो पार्ट दिखा दूँगा लास्ट में वो दिखाऊँगा इलामाबाद इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंशाल्लाह, आगे वो दिखाऊंगा वहाँ की सूरत हाल क्या होती है फिर।